तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड मैतबासी बैक है विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड कैसे भाई सब लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और भाई मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके वापस आ गया हूँ यार। थोड़ा ये वीडियो का स्केड्यूल आगे पीछे हुआ है, कुछ चीज़ें थी जो मैंने सॉर्ट आउट कर ली हैं एंड नाउ यू विल गेट रेगुलर वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस। स्टिल की मैं एक वीडियो जरूर पोस्ट करूँगा आज से रेगुलर हो गए हम लोग चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ओप्पो रेनो 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ओप्पो रेनो 5 और ओप्पो रेनो 6 के अंदर कुछ खास किया नहीं ओप्पो ने। जैसे कि आप लोगों को पता है रेनो 5 में और रेनो मतलब जो 6 था उनके जो रेनो 5 था रेनो 6 था वहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं की गई थी। लेकिन अब रूमर ये है कि ओप्पो रेनो 7 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो की हैं ओप्पो ने और बहुत सी इंटरेस्टिंग डिवाइसेज जो अब लॉन्च करने वाले हैं ओप्पो। इसके अलावा तो भाई इसी के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस सब नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड रोल द इंट्रो प्लीज। तो अगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ना मॉडल्स की, कितने कितने मॉडल जो है ओप्पो रेनो 7 सीरीज के अंदर आने वाले हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड ओप्पो रेनो 7, ओप्पो रेनो 7 प्रो, 7 प्रो प्लस, इसके अलावा एक 7 SE भी होगा जिसे हम स्पेशल एडिशन कहते हैं। यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन पर पहले मैं बात करूँगा ना, डिज़ाइन यहाँ पर मैं आप लोगों से पहले जो सबसे बात है ना इन सारे ही स्मार्टफोन्स की, मैं आप लोगों से हल्की फुल्की जो अपडेट्स हैं और हल्की फुल्की चीज़ें जो है वो अपडेट की गई हैं उनके बारे में बात करूँगा और जो मेन की स्पेसिफिकेशन है सबके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ डिज़ाइन की, तो यहाँ पर सारे ही फ़ोन में आप लोगों को जो सारा ओप्पो रेनो 7 सीरीज के फ़ोन है बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जैसे आईफोन 12, 13 सीरीज का आपको देखने को मिला है। कहने को तो भाई हम लोग कहते हैं एप्पल को क्रिटिसाइज़ काफ़ी करते हैं कि भाई एप्पल ये तो एप्पल वो हर साल एक डिज़ाइन निकालता है, लेकिन भाई एप्पल को कॉपी करना कोई कंपनी नहीं छोड़ती। जैसे ही एप्पल आईफोन 12 के अंदर वो बॉक्सी डिज़ाइन को रीन्यू किया, सारी कंपनीज अब उस बॉक्सी डिज़ाइन को अडॉप्ट कर रही है अपने किसी न किसी मॉडल के अंदर। यहाँ पर इन्फिनिक्स मतलब जितने भी कंपनीज हैं सब उस डिज़ाइन को जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अडॉप्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कैमराज की। तो भाई मेनली यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा जो प्रो प्लस है। यहाँ पर साथ में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आप लोग को 65W का एक सुपर वूक फ्लैश चार्ज जो ओप्पो की होती है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत स्पीडी फ़ोन चार्ज करने वाले हैं। एक और मेजर चीज़ जो मुझे लगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो ये है कि अब ये फ्लैगशिप फ़ोन होने वाले हैं, मतलब कि आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो प्लस के अंदर यहाँ पर लोगों को स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलेगा या डायमेंसिटी 1200 देखने को मिलेगा। अब जो लीक्स हैं वो ये प्रेफर कर मतलब ये कह रही हैं कि या तो स्नैपड्रैगन 888 हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, मतलब जो स्नैपड्रैगन 888 है वो आपको आई गेस जो है वो ग्लोबल मिलेगा और बाकी जो है वो एशियन कंट्री में देखने को मिलेगा। 888 जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, मतलब सारी फ्लैगशिप सीरीज फोन्स में आता है, तो उस हिसाब से इस रेंज में मतलब मुश्किल है, लेकिन अब ओप्पो जो है वो लेके आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो 80,000 रुपीज़ के अंदर प्राइस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्जन पे बन रही है, जो लीक प्राइसिंग है मेरे हिसाब से 1,00,000 तक आने के इम्कान आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगाया गया, उस हिसाब से प्राइस भी ओप्पो वाली ही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से प्रो की बात करूँ, जो मतलब जो स्टैंडर्ड प्रो है वहाँ पर आप लोग मतलब स्टैंडर्ड प्रो नहीं जो ओप्पो रेनो 7 है वहाँ पर आप लोगों को 60W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, साथ में आप लोगों को यहाँ 64 मेगापिक्सल कैमरा भी देखने को मिलेगा, वही बॉक्सी डिज़ाइन है और मतलब वो फ्लैश चार्जिंग जो वूक चार्जिंग होती है ओप्पो की। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 900 का। ठीक है, ये भी एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा जो है वो वर्क कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर आई गेस जो है ओप्पो रेनो 7 SE की या प्रो की बात करूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को जो चिप देखने को मिलेगी वो होगी स्नैपड्रैगन 778G। स्नैपड्रैगन 778G जो 5G चिप है इसको हमने रिसेंटली भी देखा है मास्टर एडिशन के अंदर, जो रियलमी का आया था GT मास्टर एडिशन उसमें देखा था। ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत अच्छा चिप है। प्राइसिंग के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से मुझे लगता है ओप्पो रेनो 7 जो है सीरीज जो है वो काफ़ी धमाका करने वाली है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो ओप्पो ने सदियों से अपने रेनो सीरीज़ में ना डिज़ाइन ही चेंज किया, 5, 4, 5, 6 मतलब ऐसे ही सेम डिज़ाइन, वो तो उन्होंने मार्केट काफ़ी ज़्यादा करवा लिया था इरफान भाई और वासिफ भाई से, लेकिन बहरहाल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन कंपनियों की ऐसी होती है ना कि फ़ोन बेशक जैसा भी हो मार्केट ऐसे हो रहे होते हैं ना कि भाई तबाही। लेकिन बहरहाल ओप्पो रेनो 7 सीरीज इज़ गन बी अ ब्लास्टर इन पाकिस्तान। अच्छा, लॉन्च कब होंगे? अच्छा, अभी तो ये ग्लोबली भी लॉन्च नहीं हुए, तो अगर हम लोग ग्लोबल लॉन्च डेट की बात करें तो मुझे लगता है भाई, जो मैं पर्सनल थिंकिंग है मेरी, ये नवंबर का मंथ है, दिसंबर में लॉन्च हो सकते हैं ग्लोबली।
या फिर दिसंबर के एंड तक पाकिस्तान में आ सकते हैं, या फिर अगर दिसंबर में लॉन्च नहीं होते तो ये जैन के करीब जनवरी में कहीं लॉन्च हो सकते हैं। ये दो मंथ का स्पैम है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं है लॉन्च डेट के हिसाब के बारे में, लेकिन जो मैं अपनी प्रिडिक्शन जो है वो कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो भैया वो आज की वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो जरूर से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके वो घंटी का बटन भी दबा देना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं समझता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।